अगली खबर का रुख करेंगे। 24 बरस तक जिन्होंने एक दूसरे के लिए जमकर जहर उगला, 24 बरस तक जिन्होंने एक दूसरे की जमकर लानत मलानत की, 24 बरस तक जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ सियासी बिसात बिछाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, आज वही मायावती और मुलायम सिंह यादव 24 बरस बाद एक ही मंच पर दिखाई दिए। मैनपुरी में मायावती मुलायम सिंह के लिए प्रचार करने पहुंची थी। तो सुना होगा आपने कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन सिर्फ सुना होगा, आज देखिए भी। हिंदुस्तान की सियासत में 24 बरस बाद दिखी है ये तस्वीर। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का मंच था, मंच पर मुलायम सिंह यादव थे, उनके बगल में बीएसपी सुप्रीमो मायावती और उनके बगल में अखिलेश यादव। माया और मुलायम का साथ होना इस बात का प्रमाण है कि सत्ता के अंधे युद्ध में हर चाल जायज होती है। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए सियासी दुश्मनों को भी कई बार दोस्त बनाया जाता है। अखिलेश तो पहले से ही मायावती के साथ उठते बैठते दिखते थे, लेकिन आज मुलायम भी दिखे, और सिर्फ दिखे नहीं बल्कि मायावती का मंच से धन्यवाद दिया। हमारी आदरणीय मायावती भी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है कि हमारे समर्थन हक्कर में हमारे लिए वोट देने आए हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। आपसे कहेंगे मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा। मुलायम के बाद मौका मिला मायावती। मायावती के पास फर्रा रूपी तरकश था, उसमें लिखे थे बीजेपी के लिए जहर बुझे अल्फाज, शुरुआत पीएम पर आरोप से। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जाति पिछड़े वर्ग के हैं, अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली वे फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं है। एक नकली वे फर्जी व्यक्ति या पिछड़े वर्गों का कभी भी अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से इनका भला नहीं कर सकता है। मायावती पूरी तैयारी के साथ आई थी, फर्जी ओबीसी का आरोप पड़ने के बाद दूसरा हमला देखा। अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी, जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है, और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। मायावती ने इसी मंच से बीजेपी की हालत खराब होने की भविष्यवाणी तो की, मगर कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में घूम घूम के खासकर गरीब लोगों का वोट लेने के लिए गरीबों को ये कह रही है कि यदि कांग्रेस पार्टी पावर में आई तो फिर गरीब लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी, थोड़ी सी आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये आर्थिक थोड़ी सी आर्थिक मदद से आपका भला नहीं होने वाला। मायावती के बाद मंच पर आए अखिलेश यादव, भाषण अलग था मगर निशाना नरेंद्र मोदी ही थे। आपने एकदम ठीक पकड़ा, वो कागज में पिछड़े हैं, हम सब लोग जन्म से पिछड़े हैं, तो आपको फैसला लेना है कि आने वाले समय में किनके हाथ में सत्ता जाए। अखिलेश यादव ने इसी मंच से हुंकार लगाई कि अब की बार चौकीदार की चौकी छीननी है, और अब चौकीदार बनकर के आए हैं, तो बताओ चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे। एसपी और बीएसपी गठबंधन करके बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ऐसा ही ख्वाब एसपी बीएसपी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी है। कुल 16 सीटों पर लोकसभा का चुनाव अब तक संपन्न हुआ है, और अगर आपको मैं अग्रिम परिणाम बताऊं तो कांग्रेस 0 0, 0। किसके ख्वाब पूरे होंगे और किसके अधूरे रह जाएंगे ये तो 23 मई को मालूम चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब की बार जंग जबरदस्त है। कुमार अभिषेक, मैनपुरी, आज तक।
1995 में एक ऐसा कांड हुआ था जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत बदल दी थी। उस कांड ने भारतीय राजनीति के इतिहास में ना सिर्फ शर्मनाक अध्याय लिखा था बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गहरी खाई खोद दी थी। आप भी जानिए क्या था गेस्ट हाउस कांड। चौबीस बरस की तलखी में मिठास भरने वाली तस्वीरें हैं ये। दो धुर विरोधी दलों के दिलों के मिलने की हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारतीय राजनीति के इतिहास में कलंक बनकर लगे 1995 के गेस्ट हाउस कांड के दाग अब धुल चुके हैं। सत्ता की चाहत में शर्मनाक अध्याय वाली सियासत को तिलांजलि दी जा चुकी है। देश में आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं जिसको आगे रखकर ही हमने देश के वर्तमान हालातों को चलते हुए या उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ये तो एसपी बीएसपी ही जाने कि उन्होंने देश हित में गठबंधन किया है या अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए साथ आए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि गेस्ट हाउस कांड एक ऐसी घटना थी जिसने सत्ता नशे मुलायम सिंह यादव को कुर्सी से उतार कर खुद उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती बन गई थी। आपको बताते हैं कि क्या था गेस्ट हाउस कांड। 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। मुलायम सिंह यादव उस वक्त मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन 1995 तक दोनों दलों में तलखियां बढ़ गई थी। 2 जून 1995 को मायावती विधायकों के साथ लखनऊ के गेस्ट हाउस में बैठक कर रही थी। इसी गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ताओं ने हमला बोला। बीएसपी नेताओं के साथ जमकर मारपीट की गई, मायावती के साथ भी अभद्रता की गई। इस कांड के बाद बीजेपी के सहयोग से मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तब से लेकर अब तक 24 बरस बीत गए, दोनों दलों में दूरियां बढ़ती ही रही, लेकिन अब ये सब पुरानी बातें थी। अब दोनों दलों के दिलों की दरारें भर चुकी हैं। कुमार अभिषेक, मैनपुरी, आज तक। आगे बढ़ेंगे। प्रचार पर पाबंदी खत्म होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर एक्शन में आ गए हैं। योगी ने आज चुनावी प्रचार के पहले पूजा पाठ किया और फिर अपने ही अंदाज में विरोधियों पर सियासी वार भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने कुछ इस अंदाज में अपने बैन खत्म होने का जश्न मनाया। संभल की रैली से पहले योगी ने केला देवी मंदिर जाकर दर्शन किए। यह मंदिर यादवों की कुल देवी का मंदिर है। जाहिर है योगी ने देवी का आशीर्वाद लेकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। प्रचार की पाबंदी खत्म होते ही योगी ने सबसे पहले संभल में ताल ठोकी। इस बार योगी ने बाबर और मंदिर का राग छेड़ दिया। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पूर्वज कहां से हैं? ते सज्जन बोल पड़े कि हम बाबर की औलाद हैं। भाइयों बहनों, मैं यही मुझे अफसोस होता है जो व्यक्ति वंदे मातरम गाने में जिसको परहेज होता हो, जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने में संकोच करता हो, जिसको वंदे मातरम बोलने में संकोच होता हो, जिसको केला देवी मंदिर में जाने में संकोच होता हो, क्या वह व्यक्ति आपका वोट पाने का अधिकारी है? योगी यही नहीं रुके, इस बार मायावती के बयान के बहाने हिंदू कार्ड चला। मायावती जी का भाषण आपने पढ़ा होगा, सुना होगा सहारनपुर में, तब भी उन्होंने कहा था कि मुसलमानों एक हो जाओ, सपा बसपा गठबंधन को वोट दो। लेकिन भाइयों बहनों, हमने कभी नहीं कहा कि किसी जाति मत और मजहब के आधार पर वोट दो। पाबंदी की मियाद खत्म होते ही योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इसी सियासी हमले का जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट किया, मेरी धार्मिक पहचान हिंदू है, वो हिंदू जो भारत में रहने वाले सभी पंथों और धर्मों का सम्मान समान भाव से करता आ रहा है। 72 घंटों में मैंने चुनाव आयोग के आदेश का सम्मान किया। चुनाव आयोग के 72 घंटे बैन के दौरान भी योगी विवादों में घिरे, उनके मंदिर मंदिर दौरे और दलित के घर खाने पर जमकर घमासान छिड़ा। आज तक फिर
उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कानपुर में हैं। प्रियंका गांधी ने आज कानपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी श्री प्रकाश जायसवाल के लिए रोड शो किया। प्रियंका गांधी खुली गाड़ी में बैठी थी और उन्होंने गाड़ी पर श्री प्रकाश जायसवाल के साथ सवारी की। यहां प्रियंका लोगों से मुखातिब हुई और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में प्रियंका गांधी का रोड शो अपने बीच रास्ते पर पहुंच चुका है। घंटाघर से शुरू होकर ये बड़ा चौराहा तक रोड शो जाएगा। बीच में फूलबाग के पास प्रियंका गांधी छोटी सभा को भी संबोधित करेंगी। आप देख सकते हैं कि दोनों ओर कार्यकर्ता कांग्रेस के और आम लोग प्रियंका गांधी को देखने के लिए, उनकी फोटो खींचने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए नजर आ रहे हैं। आगे यूथ के कार्यकर्ता हैं जो कि नारेबाजी कर रहे हैं। चौकीदार चोर है के नारे यहां सुनाई पड़ रहे हैं। न्याय योजना का नाम यहां पर लिया जा रहा है और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहां मौजूद हैं। यहां से कांग्रेस के जो सांसद रहे, पूर्व सांसद 1999 और 2009 में श्री प्रकाश जायसवाल जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यहां वो मजबूत स्थिति में रहेगी, इसीलिए प्रियंका गांधी से बार बार जायसवाल ने कहा कि यहां पर आप एक बार प्रचार करने आइए, जिसके बाद प्रियंका गांधी यहां रोड शो कर रही है। 5 किलोमीटर लंबा करीब ये रोड शो है। ये तो बात हुई प्रियंका गांधी की, लेकिन अब बात करेंगे प्रियंका चतुर्वेदी की, जो एक समय में कांग्रेस प्रवक्ता रही हैं। आज उन्होंने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बात से भी इनकार किया कि वो टिकट न मिलने से नाराज थी। उन्होंने मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अभद्रता को कांग्रेस छोड़ने की बड़ी वजह बताया। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक डिग्री आती है एक डिग्री जाती है। मुझे लगा मेरी आत्मसम्मान की लड़ाई अगर आज मैंने नहीं लड़ी तो बहुत सारी महिलाएं हैं वहां पर जिनको मैं फेल करूंगी। कल तक डिग्री विवाद में स्मृति ईरानी पर सुरीला तंज कसने वाली कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी की सहयोगी शिवसेना का दामन थामा तो रातों रात सुर बदल गए, बीजेपी पर सवाल को टाल दिया, लेकिन शिवसेना वो पार्टी बन गई जो उन्हें बचपन से पसंद थी। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा कभी भी मन परिवर्तन शिवसेना को लेकर नहीं हुआ था। शिवसेना में मुंबई की होने के नाते शिवसेना से मैंने बचपन से एक जुड़ाव रहा है और मैं मानती हूँ हर मुंबई कर के दिल में और हर महाराष्ट्र के महाराष्ट्रियन के दिल में, वो देश के कोई भी कोने से आया होगा पर महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, उनके दिलों में राज करता है। क्या मुझे मन परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी? देश में चुनावी घमासान के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का गुरुवार को कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा और शुक्रवार को शिवसेना में शामिल होना जिस रफ्तार से हुआ वो चौंकाने वाला है। प्रियंका चतुर्वेदी मथुरा में अभद्रता करने वाले निलंबित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फिर से बहाल किए जाने को कांग्रेस छोड़ने की वजह बता रही हैं। मैंने उनको बताया था जो मेरी तकलीफ थी और क्या मेरी पीड़ा थी इस मुद्दे को लेकर, और मैंने ये भी जाहिर किया था कि मुझे मेरी पीड़ा इस बात की है कि ये सब जानने के बावजूद, सस्पेंशन के बावजूद भी उनको रीइंस्टेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे फेल करता है। और मैंने ये अपना पार्टी के सारे हाईकमान को बता दिया था, लेकिन माना ये भी जा रहा है कि उन्हें इसका दुख था कि कांग्रेस ने मुंबई से उन्हें टिकट नहीं दिया। Yes, I was seeking a ticket. I was hopeful that the party would give me an opportunity to politically represent the party. Being the voice of the party for so many years would give me, have that faith in me to be able to take it to the next level. अब सवाल ये उठा कि क्या शिवसेना प्रियंका को उम्मीदवार बनाएगी? फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी निस्वार्थ भाव से ही शिवसेना में काम करने का राजनीतिक बयान दे रही हैं। इस बीच बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया, जबकि कांग्रेस नेता इस पर बोलने से बच रहे हैं। महिला सुरक्षा के विषय पर उन्होंने पार्टी को त्याग दिया, इससे स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी जी महिलाओं की चिंता करने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में ही एक महिला ने बड़े गंभीर बातें कही हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रियंका चतुर्वेदी ने रिजाइन कर दिया, उन्होंने रेजिग्नेशन लिखा है राहुल गांधी। ठीक है, ये तो उनके और कांग्रेस के बीच में है। प्रियंका चतुर्वेदी मथुरा से आती हैं और मुंबई कर्म भूमि रही है। 10 साल कांग्रेस में बिताने के बाद उन्होंने शिवसेना के साथ मुंबई में वापसी की है। उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी उनकी बड़ी भूमिका होगी। पंकज खेलकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।
अगली खबर का रुख करेंगे। रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने मैदान में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान हैं। हाल ही में आजम खान ने जयाप्रदा पर बयान दिया था जिस पर बवाल हो गया था, और इसी बवाल के बीच अमर सिंह रामपुर पहुंचे हैं जयाप्रदा के लिए प्रचार करने। जो जयाप्रदा के लिए नहीं, पूरे देश की महिला जाग उठी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है जी, संस्कृति का सम्मान करती है जी, और स्वयं मायावती जी को पता है गेस्ट हाउस कांड में उनका चीर और सील भी हरने का प्रयत्न किया था। तो मायावती जी, दयाशंकर पांडे के टिप्पणी पर तो बहुत उत्पात उन्होंने मचाया, और आजम खान ऐसे नीच व्यक्ति जो महिला के अंतर्वस्त्र की चर्चा करते हैं, उनका प्रचार करने अगर आए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। मैं हिंदुस्तान भर की सारी महिला नेत्रियों से पूछना चाहता हूँ, बंगाल की ममता से पूछना चाहता हूँ, आदरणीय सोनिया जी से पूछना चाहता हूँ, प्रियंका जी से पूछना चाहता हूँ, महबूबा से पूछना चाहता हूँ, ये सभी महिलाएं आज मौन क्यों हैं, वृंदा कारत से पूछना चाहता हूँ। ये वामपंथ और दक्षिणपंथ का सवाल नहीं है। अगर महिला का अंतर्वस्त्र राजनीति का मुद्दा बनेगा तो देश की राजनीति किधर जा रही है। आदरणीय अमर सिंह जी, एक दो दिन के लिए तो कैंपेनिंग में आ रहे, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं तो 2004-2019 में भी उन्होंने अपना समर्थन हमेशा दिया है। तो उनके तबीयत स्वास्थ्य में कुछ दिन तो उनके तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब वो ठीक होने के बाद वो रामपुर आ रहे हैं और एक दो दिन के लिए रहेंगे, और अपील करेंगे कि महिला के इनके सम्मान के लिए वो अपील करेंगे, और आदरणीय मोदी जी के उनके डेवलपमेंट के लिए जितने जो कार्य हुए हैं उनको भी लोगों को अवगत कराएंगे। मैम, एक आखिरी सवाल, किस तरीके से आप देखती हैं अमर सिंह जी आपके नेतृत्व रहे हैं, आपके गुरु रहे हैं, आपने पहले भी कहा है इस बारे में, किस तरीके की एक सीख जो है आप अमर सिंह जी से लेकर ये कैंपेन रामपुर में आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अमर सिंह जी हर तबके के लोगों से वो सम्मान करते हैं, लेकिन आजम खान साहब जो है महिलाओं को जिस तरह का जो उत्पीड़न करते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो उसको अमर सिंह जी पसंद नहीं करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।